नमस्कार न्यूज 18 महानगर को स्वागत करुछि नीतीश मोदी। विधानसभा उपस्थापित हैला 2021-22 आर्थिक वर्षर बजेट। 1,70,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन कले अर्थमंत्री निरंजन पूजारी। बजेट रे जनकल्याण, पुंजीनिवेश, विकास, भित्तिभूमि उन्नयन और रूपांतरण उपरे गुरुत्व दिया जायछि। एहि बजेट रे 2020-21 आर्थिक वर्ष संशोधित आकलन तुलना रे 26% अटे। राज्य सरकार को बहु महत्वाकांक्षी योजना एक टंकिया चाउल 968 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछे। ब्लॉक स्तर रे मिशन शक्ति गृह निर्माण पर राज्य सरकार अतिरिक्त 100 कोटी टंकार व्यय अटकल करिछन्ति। विपर्जय सहनीय विद्युत जोगाण पर 50 कोटी व्यय अटकल करा जायछे। हाथी करिडर विद्युत जोगाण पर 120 कोटी, विजु एक्सप्रेस वे पर 100 कोटी व्यय बराद करा जायछे। बजेट रे विजु सेतु योजना पर 912 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछे। नुआ विमान बंदर जमी अधिग्रहण लागि 100 कोटी व्यवस्था करा जायछि। अणु क्षुद्र और मध्यम शिल्प पर बजेट 465 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। पर्यटन क्षेत्र विकास पर 500 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। पूरी पर अभड़ा योजना पर 542 कोटी व्यय बराद करा जायछि। एकाब्र क्षेत्र पर 200 कोटी और समलेई पर 200 कोटी टंका व्यय अटकल होइछि। कालिया योजना परिसरभुक्त हिताधिकारी पिला उच्चशिक्षा निम्ते कालिया मेधावृत्ति प्रदान करा जीवो। 2021-22 आर्थिक वर्ष रे उक्त सहायता को चालू रखा निम्ते कालिया योजना रे 1,800 कोटी टंकार व्यय बराद रही। 20,800 हेक्टर रु अधिक जमी में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करनश्च जैविक कृषि को आहरी त्वरान्वित करने परंपरागत कृषि विकास योजन 35 कोटी टंका व्यय बराद कर। उत्तम मानर फसल उत्पादन पर बिहन एवं सारर गुरुत्वपूर्ण उपादान होइतिबारु चासी मानंकु आगुआ बिहन जोगाई देबा पई 100 कोटी टंका एवं सार जोगाई देबा पई आउ 100 कोटी टंकार आवर्तन पांठि रिवल्विंग फंड र व्यवस्था करा जायछि। ओडिसा कृषि और वैषयिक विद्यालय को एक उत्कर्ष केन्द्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रे परिणत करिबा सह कृषि गवेषणा और संप्रसारण क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानदंड सृष्टि करिबा आम मान्य मुख्यमंत्री स्वप्न। कृषि गवेषणा शिक्षा और भित्तिभूमि विकास पर 148 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि, जहां 2019-20 वर्ष व्यय बरादर प्राय 5 गुण अटे। विभिन्न कार्यकलाप को त्वरान्वित कर उद्यान कृषि को प्रोत्साहित करने निमित्त उद्यान कृषि विकास कार्यक्रम अधीन 132 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। उद्यान कृषि पर राज्य उपलब्ध सर्वाधिक क्षमतार उपयोग करी समस्त उद्यान फसल उत्पादन वृद्धि निमन्ते जातीय उद्यान कृषि मिशन रे 120 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र में सम्मिलित एवं समन्वित विकास जरिया कृषि को आर्थिक कारबार एक मुख्य उत्स भाव विकसित करने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 450 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। व्यावसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान रे पूंजी विनियोग एवं कृषि यंत्रपाति और डीजल पंप सेट रो लोकप्रियता बढ़ावा पई 454 कोटी टंका सब्सिडी रो प्रस्ताव रही अछि। निरंतर विकास लक्ष्य नहीं कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र सह जड़ित संबल उत्पादन एकत्रीकरण भंडारण प्रक्रियाकरण वितरण एवं विपणन निमन्ते फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस को 60 कोटी टंका सहायता पई प्रस्ताव रही अछि। बहुचर्चित 1999 गण दुष्कर्म मामलार मुख्य अभियुक्त बिबन विश्वाल को गिरफ्त करी कमिश्नरेट पुलिस। दीर्घ वर्ष पर बिबन को मुंबई आंबी भाली गिरफ्त करिबार सक्षम होई पुलिस। 1999 जनवरी 9 भुवनेश्वर बारंग रास्त होता गण दुष्कर्म पूर्व घटन अन्य दुई अभियुक्त पदिया साहू और टुनिया को आजीवन कारादंड तेरे मुख्य अभियुक्त बिबन को धरवे विफल होता पुलिस एमतीक सीबीआई भी धरवे सक्षम हो नाला। बहुत चालाक थिला बिबद निजर परिचय कटक नरणपुर जलंधर स्वईं दे महाराष्ट्र रे काम करूथिला। से एक कंपनी रे 2007 रु काम करूथिबा बळे 2011 रे होइथिला स्थायी कर्मचारी। निज बैंक अकाउंट एवं आधार कार्ड रे भी बिबद विश्वाल ना बदलाई करि देथिला जलंधर स्वईं। सब प्रकार जाल प्रमाणपत्र जोगाड करि देथिला से अन्य लोकक सहायता रे निज परिवार सह जोगाजोग रे थिला। एबे परिवार को धरी जाल मृत्यु प्रमाणपत्र जोगाड़े लगी तेरे बिबन को धरिबा पाई ऑपरेशन साइलेंट वाइपर बा नीरव बोड़ा स्थाप करा जायतिला पुलिस सूचना देखते पुलिस कमिश्नर। महाराष्ट्र पुलिस सहायतारे ताकु पाताल खोजी धरा जायछि बोली कहिसंती पुलिस कमिश्नर सुधांशु चडंगी।
3 मास तले आरंभ होता ऑपरेशन साइलेंट फाइबर। 22 वर्ष पर अपराधी विमान ओरफ जलेश्वर स्वाई धरा पड़ी। एक चर्चित घटन इस्तफा देते तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक। हाइकोर्ट का निर्देश पर एबीपी मामलार तदंत कर सीबीआई। सेठिका जो अफिसर मैंने अच्छा जोटा पुणे रूरल डिस्ट्रिक्टर सेठी एसपी अच्छा डॉक्टर अभिनव देशमुख आठ जन जुव एएसपी अच्छा नवनीत कनवल से आमको सहायता कले एवं गोटे दल गठन करागला जोटा ओडिशा पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस मिलित दल जे आम खोजिकी बाहर करवा जलंधर स्वाई को सेठी आम जान लू जे ए प्रकार जन स्वाई बाबू बोले जन मेकानिक अच्छा से आंबिवाली ठार 2.5 किलोमीटर दूर से तांकर जो स्टाफ आकोमोडेसन अच्छी सेठी रोचे तेणु सेठी की आम पुलिस कर्मचारी गले जोबले पुलिस कर्मचारी सेठी पहुँचले जदिव से सादा पोशाक थे देखिकी विवन विश्वाल दौड़ा आरंभ कला पुलिस कर्मचारी मैंने गोड़ेकी धरले तेब जेहेतु आमपाई से जलंधर स्वाई थी आम जलंधर स्वाई हिसाब से एठिक आणलु और बर्तमान साखी मैंने चिह्नट कर सारे आम एक खबर सीबीआई को देदेचु कलिकतारु तदंतकारी अफिसर मध्ये आसी पहुंची जाइछंती। परवर्ती कार्यानुष्ठान सेमाने करिवे कारण तदंत सेमाने करुछंती सेमाने जहाँ घोषणा करिछंती पुरस्कार राशि साइलेंट वाइपर ऑपरेशन रे जो मैंने कर्मचारी मैंने काम करिछंती आमर जो अफिसर मैंने काम करिछंती ताकु दबापई आम सीबीआई को लिखिबु जहाँ सीबीआई करिपल्ला नै ता आम अफिसर मैंने करिछंती पातालरु विवन विश्वाल को बाहर करिछंती। यह ओडिशा पुलिस उपर राज्यवासी आस्था बढ़ेब बोली मुझे आशा करी आम पाखे हूँ तो अन्य राज्यर पुलिस भाई संबल ना किंतु बुद्धिमतार किसी कमी ना एवं उद्यम किसी कमी ना बर्तमान विवन रचार होशार एक कलंकित अपराधर शेष फर्द लेखा हेब आम आशा करूँ जे पीड़िता न्याय निश्चय मिल आमर ये उद्यम आग को जारी रहा किंतु आम जो उद्यम करूँ 3 मास बहुत कठिन परिश्रम कर विभिन्न दिगर एक तथ्य संग्रह करने उद्यम करें साइलेंट वाइपर आम ना देखु जदि आउ किसी कौटी करता हूँ तो धरा पड़ी था अति चालाक अपराधी जे एत वर्ष धरी 22 वर्ष धरी जी लुचिकी रहा जहाँ को सीबीआई खोजिकी पाइला नहीं बर्ष बर्ष चेष्टा कर जहाँ को एत पुरस्कार राशि घोषणा कले तथ्य मिलला नहीं आम बोका बोली भाविबा ना बर्तमान यही अपराधर तदंत सीबीआई करुच्ची जोटा गोटे केन्द्रीय संस्था हाइकोर्ट निर्देश अनुसार तेणु आम बर्तमान पेशी कलापर कोर्टे आज पेशी करूँ जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अच्छे सागर आम कथु से कोर्टे अपेक्षा करें अपराधी को लेकिन सेठ वारंट बल पेशी करूँ कलापर सीबीआई परवर्ती तदंत कर कारण गोटे अपराध पूर्वर गोटे अपराधीर आचरण और अपराध पर तार आचरण सेगुड़िक इंडियन एविडेन्स आक्ट अनुसार तार गुरुत्व अच्छी तेणु से कौटी थी कहीं मिछ ना सेटा गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रमाण आम जहाँ प्रारंभिक सूचना पाचु से 2007 निश्चित भाव में आंबिवाली थी 2011 स्थायी कर्मचारी भाव काम करूला आम कह समस्त आम समस्त कारण एवं जहाँ जानूचे मझेरे मझेरे से ओडिशा भी आसी तेणु जो ए प्रकार जन अपराधी जघन्य अपराध कर चांचल्यकर अपराध करवे साबारे जनसाधारण कुंठा करने कथा नुहे तेणु दोष क्या दबार ना से हे तो धरी नहीं खोजी पाईपारे ना से गोटे नुआ परिचय पाई सारी परिचय प्रमाणपत्र आधार कार्ड कर सारी बैंक अकाउंट खोली सारी तार कौन संभावना ना खोजी पाइबापी से दृष्टिकोण यहाँ गोटे पुलिस अति बड़ा आह्वान था बर्तमान कथा हो सी जहाँ परिचय पत्र व्यवहार कर पान कार्ड कर सब कर कंपनी स्पन्सर कर से कागज गुड़िक सब सीबीआई कोर्ट सामने रे प्रस्तुत करेंगे कारण मुझे जोटा कहली अपराध पर गोटे अपराधी आचरण सेटा गोटे प्रमाण सेटा कोर्ट निश्चय विचार को ने आपड़ जदि देखिए हाइकोर्ट जजमेंटर पारा 23 देखिए हाइकोर्ट मत अत्यंत अवशोष व्यक्त करते जे केस्रे आम टुनिया को आ पदिया को दंड दे कि मूल आसामी धरा पड़ा ना एवं यही अभियुक्त जी पीड़िता बारंबार कहते जेपर्यंत मूल आसामी धरा पड़नी जे प्रथम दर्शन करा जी प्रथम गाड़ी अटकई जी यार मूल सूत्रधार ताकू जपर्यंत न धराई से पर्यंत मत न्याय मिलना से दृष्टिकोण मुझे यहाँ आमपाई गोटे बहुत बड़ा आह्वान था आम मूल कथा देखा जे जो 2376 2G जो थे गैंग रेप कथा पड़ी
ସେଇଟାରେ ତାକୁ ଯଦି ସଜା ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଆଜୀବନ ଯେମିତି ରହିବ ଆମର ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲ୍ରେ ରହୁ। 22 वर्ष तलर बहु चर्चित बारंग गण दुष्कर्म मामला हाइकोर्टर तत्कालीन विचारपति जस्टिस एएस नायडू को प्रतिक्रिया कहिसेंते 2010 रे ए मामलार विचार करूथिले ए मामला मते गभीर मर्माहत करथिला 11 वर्ष परे भी विवन गिरफ न हेबारु क्षुब्ध होइथिले 22 वर्ष परे हेउ पछि विवन गिरफ हेबा भल खबर अपराधी जेते धूर्त हेले भी खसी जाई पारिबो नाही एक कथा आज पुणी थरे प्रमाणित होइछि। पुलिस कमिशनर को साधुवाद जनाइछन्ते जस्टिस नायडू तदंत ओ आईन श्रृंखला पई अलग विभाग हेबा दरकार ताहेले एभली घटनार त्वरित तदंत होई पारिबो बोली कहिसेंते जस्टिस नायडू। कथार नायक जे सबु कथा करूथला से लोक को आरेस्ट को न करके एत दिन पर्यंत रहीगला मान 1969 2010 पाखापाखि एत गुड़े दिन तापर आज पर्यंत से लुचिकी रही पारा यहाँ आहरी बेस बाधुची जे प्रकृत में जब आईन अच्छी आईन आगे भाया अपराधी जो मैंने जिते चंचल पारे आरेस्ट करवा उचित किंतु ता सांगरे सब बेले मन रखा कथा जे जघन्य कार्य करते से विजिटिंग कार्ड रखिदे जानती नहीं जे पुलिस जाके सांगे सांगे धरव पुलिस इन्वेस्टिगेशन दरकार इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस सक्सेसफुल है। अभियुक्त को फांसी देवा को दावी करिछंती पीड़िता अंजना मिश्र एक सांबादिक सम्मेलन करी पीड़िता अंजना मिश्र कहिछंती 22 वर्ष हेला मु मरी मरी पंचिछि मो घर को पत्थर मारिले अनेक हत्या धमक देउथिले किछि गोष्ठी तांको मारी देबा को उद्यम करथिले असंभव काम को संभव करिछंती पुलिस कमिश्नर अभियुक्त को फांसी न हेले आजीवन कारादंड दिया जाउ सारा जीवन से जेल रे रहु बर्षे तले मते धमक दिया जायथिला मु केबे भी डरिनी किंतु हैरान होइछि बोले अंजना कहिछन्ति। सतले गोटे बहुमत सरकार को झटका लगेला आ सरकार उपर प्रबल प्रेसर थिला जे मुख्यमंत्री इस्तीफा देते तेणु जो देते तार प्रमुख कारण बर्तमान आज पदाक आसी जे थिला मुख्य अभियुक्त ताकू कमिशन पुलिस गिरफ्त करी मैडम जानापी चाहिए 22 वर्ष तलर घटना निहत भाव में गोटे अति हृदय विदार घटना थिला एवं राज्य मध्ये निंदित होता तेणु आज गोटे मुख्य अभियुक्त को धरी पुलिस कौन प्रतिक्रिया रहा पुलिस को बहुत ग्रेटफुल सुधांशु सारंगी सर को बहुत धन्यवाद देवे आशा था मन भितर जिते बड़े सीबीआई इनक्वारी करूला और दुई जन अभियुक्त गिरफ्त होते जनकर देहांत जहाँ कहना आप एफआईआर करते हैं देहांत होती आप देखुं बर्तमान ये घटना को कौन देखी घटना को मुझे मरी मरी बंची देखी कौन प्रेसर थे बहुत प्रेसर बहुत प्रेसर मुझे जानी मत मो घर रखीदे मो घर छाड़ी मतलब पलायु पड़ा आपण संदेश कौन देखा चाहते ये घटना को लेकर राज्यवासी कौन संदेश देते जो मैंने एमती शिकार होते विभिन्न प्रकार घटना स्ट्रंग रे भांगी पड़े निहत भाव में आप शुणुते कि प्रतिक्रिया रही है कितु अच्छा जे कस्तूरी महापात्र अच्छा मैडम जानापी आप सांबादिक सम्मेलन थे आप निजे उपस्थापन करुते मत गुड़ाक किभली देखुं बर्तमान आप बहुत खुशी जे गोटे 22 वर्ष पर गोटे मुख्य अभियुक्त को धराई और पीड़िता को न्याय मिली न्याय मिली मिली आहरी आशा करुचे सब श्रेय निश्चित भाव से अंजना मिश्रर कहीं तार साहस तार शक्ति तार धैर्य एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हर सहयोग एवं सुधांशु षडंगी कमिशनर पुलिस अक्लांत परिश्रम चेष्टा आज गोटे कलंकित अध्यायर परिसमाप्ति होगा जाए कि प्रतिक्रिया रही कारण गोटे पटे निहित भाव में जितेबाला सांबादिक सम्मेलन कर पुराणा कथा को उपस्थापित करुले अंजना मिश्र एवं दावी कर प्रकृत दृष्टि विरुद्ध प्रपर आक्शन भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सुश्री सुमंत चंद्र राय निज मीडिया। कोविड नियम कड़ाकड़ी करने को स्वास्थ्य विभाग निर्देश पर सजग पीएनसी आज जोरदार होती चेकिंग पांचटे स्वतंत्र स्क्वाड गठन करी जांच प्रक्रिया को त्वरान्वित करा जायछि मास्क सानिटाइजेशन और सामाजिक दूरता उपर गुरुत्व दिया जायछि तीनोटी जोन रे स्क्वाड बुली अमानियां को ठारु जोरिबाना आदाय करबा सहित लोकों को सचेतन करिछन्ति। एक्शन मोड रे बीएमसी प्रथमे सतर्कता सचेतनता आउ ता परे कार्यानुष्ठान अन्य राज्य में महामारी कोरोना काया मेलाउ थिबारु सजाग होईछि बीएमसी
सामाजिक दूरता एवं मास्क बाध्यतामूलक कर विशेषकर दोकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान मॉल एवं होटल गुड़िक स्वतंत्र नजर रखाई पांचटी स्क्वाड गठन करीएमसी सहरर तीनटी जाक जोन में बुली बुली अमानिया आदाय करे जरिमाना राज्य में कोरोना संक्रमण स्थिति नियंत्रण में रही सत हेले शेष होना तेणु आमको एवं अधिक सतर्कता अवलंबन करने सहित कटक मानवापी बीएमसी कमिशनर शॉपिंग मॉल्स हैला रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैला सो सब जगह रे हमें टिके माइक प्रचार करूछु अमार जो सचेतनता करिबा पई अमार वॉलंटियर्स माने थिले तांकु भी रिक्वेस्ट करा है छी कि से माने भी टिके एक्टिव हेबे एंड पुलिस तरफ रे भी हमको तांकर कमिश्नरेट पुलिस तरफ रे भी गुडाए स्क्वाड करा है छी एनफोर्समेंट करिबा पई मास्क इंश्योर कराइबा पई डोमोना आईडी मार्केट जनपद सहरर विभिन्न स्थान में चेकिंग करिछंती स्वतंत्र स्क्वाड टार्गेट रे हाट मॉल मार्केट कॉम्प्लेक्स भली जनगहलीपूर्ण स्थान जनपथ रे विभिन्न शोरूम को जाई जेडीसी निजे लोकंकु सचेतन कराइथिले एपरिकि जरिमाना मध्य आदाय करिथिले पूर्व अपेक्षा लोके एबे सचेतन अछंती 100 रु 95% लोक व्यवहार करुछंती मास्क तथापि 5% अमानिया अछंती जेउ माने विपद बढ़ाइबे सेमानंकु तागिद करुछु बोली कहिछंती बीएमसी एनफोर्समेंट ऑफिसर एनफोर्समेंट ड्राइव अच्छी मु मुख्यतः अवेयरनेस ड्राइव भाव में नौ लोकं अवेयर करुच्छे मास्क प्रत्येक समय पिंधतु और जो भी कमर्सील एस्टाब्लीशमेंट अच्छे से एनश्योर करूँ प्रत्येक एम्प्लय मास्क पिंधतु और जो भी कस्टमर भितर को आसक पिंधे जेहेतु पुणी आउ थे कॉविड्र फेर संभावना रोचे तो अवेयरनेस आमर एनफोर्समेंट निहाती दरकार लोक अवेयर करने स्टार्ट एनफोर्समेंट 100 जन भितर अराउंड 95 तो मास्क पिंधे दु तीन जन को आम फाइन करम सचेतन कर कस्टमर को से हिसाब से ट्रीटमेंट कर बुझे कस्टमर ट्रीटमेंट कर सामाजिक दूरता मेंटेन करने कहले सैनिटाइज करने कहले मास्क पिंधे कहले ये जिनस आम दुकान हो मझे भी बंद कर चली महाराष्ट्र सहित केरल पंजाब भली राज्य में संक्रमण हार द्रुत गति में बढ़िवार लगी दृष्टि रखि आगुआ सतर्क रही प्रशासन पक्षर कहुई भुवनेश्वर कैमरामैन पतित पावन बेहरा सहित शुभलक्ष्मी बड़ न्यूज 18 ओडिया कोरोना संपर्क में कटक सहरवासी को डाकबाजी जंत्र साहाज्यरे सतर्क करा दीर्घ दिन व्यवधान परे पुणी थारे सहर रे बुली प्रचार गाड़ी आज सकाळु सकाळु सीएमसी एनफोर्समेंट स्क्वाड पक्षर लोक सचेतन कटकणा कोहळ होइतिबारु अधिकांश लोक हुगुळा होइ जाइछंती कोविड नियम को खोलाखोली भाव उल्लंघन करुछंती मास्क को बांधिबा अभ्यास को भूली जाइथिबा लोक को पुणी मास्क व्यवहार पई सचेतन करथिले सीएमसी अधिकारी जांच बेले मास्क न पिंधिबा पछरे अबांतर कारण दर्शाइथिले लोके आज केवल लोकंकु सचेतन करा जायछे आसंता काली थारु कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली सीएमसी पक्षरु कुहा जायछे मास्क न पिंधिले एवं सामाजिक दूरता नियम पालन न कले खिलाफरिंग पथारु आदाय करा जिवो जरिमाना बहुत जरूरी वर्तमान जहां कोविड रो परिक्रमा होईछि रिटर्न आउछि सेते पई मास्क ता निहाती जरूरी मास्क हेले बहुत सेफ हो पार ना सब बेले रेगुलर पिंधु आम अफिस रेगुलर 24 hours पिंधु मास्क नेसेसरी बट हेलमेट सहित मास्क पिंधि होनी सो आम जो पहुँचू से मास्क पिंधु हाँ गाड़ी पिंधा बेले तो हेलमेट पिंधा होता सहित मास्क केमी पिंधु आम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आमको इनस्ट्रक्शन देखते कोविड रो सेफ्टी प्रोटोकॉल अच्छी से एनफोर्स करने सारा सहर से सीएमसी तरफ आम दुटा एनफोर्समेंट स्क्वाड कराई आम सीडीएफ टीम एवं लोकल पुलिस मान सहायतार आम विभिन्न जगह आज माइकिंग करुचु लोक मान अवेयर करने कि ना यहाँ एगेन पुणी समय आसा आम सतर्क रहा अदरवैज पुणी आम से विपद आड़ टाणी जा कालीठ आरंभ होउछि जेई मेन परीक्षा एथर सारा देशरु प्राय 22 लाख छात्र छात्री परीक्षा देबे फेब्रुवारी मासरे केवल 6 लाख रु ऊर्ध छात्र छात्री परीक्षा देबे चलित वर्ष थारु 4 थर हेब जेई मेन छात्र छात्री चाहिले 4 थर परीक्षा दे पारिबे बेस्ट रैंक आधार रे हेब नाम लेखा केवल ओडिसारु प्राय 40,000 छात्र छात्री परीक्षा पई पंजीकरण करिछन्ते संपूर्ण ऑनलाइन मोड रे परीक्षा हेबाकु थिबा बेले राज्यर 16 टी शहर रे प्राय 85 टी परीक्षा केन्द्र करा जायछि
अनुगुल ढेंकानाल कटक भुवनेश्वर पुरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर केन्दुझर केन्द्रापड़ा मयूरभंज संबलपुर राउरकेला और ब्रह्मपुर कोरापुट जयपुर में होइछि परीक्षा केन्द्र। कोविड को आखिरे रखी दुईट पर्यायर परीक्षा करने को एनटीए निष्पत्ति सकाळ 9टारु 12टा प्रथम सिटिंग और अपराह्न 3टारु 6 पर्यंत द्वितीय सिटिंग परीक्षा हेबो। परीक्षार 2 घंटा पूर्वरु केन्द्र रे पहुंचिबे परीक्षार्थी। बाहर अभिभावक माने गहळी करि पारिबे नाही। परीक्षार्थी को पाई मास्क बाध्यतामूलक होइतिबा बेले सेमानक संगरे 50 ml सानिटाइजर नै जाई पारिबे। गेट निकट रे थर्मल स्कैनिंग और सानिटाइजेशन परे भितरकु छडा जिवो। समय होइछ बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार।